मैं डॉक्टर सुनील खराटे, पिछले 10 सालों से मैं केड़कर हॉस्पिटल रामदासपेट अकोला यहाँ पे कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ पे दूर दूर से पेशेंट आते हैं। आपने पहले भी वीडियो हमारे देखे हैं, वो वीडियो के हिसाब से ही मैंने हमारे यहाँ पे जो पेशेंट एडमिट है उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है। ये डिसीज में क्या होता है, अपने आप से बातें करना, एक जगह पे शांत बैठना, दिल के दिल में बातें करना, हंसना या रोना, किसी से बात नहीं करना, ऐसे अनेक टाइप्स के लक्षण इसमें रहते हैं। जैसा सस्पिशियस थॉट है, शंका करना, किसी के ऊपर शंका करना, कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, कोई मुझे मैनेज कर रहा है, ऐसी बातें दिल में आना, ब्लैक मैजिक की शंका भी आ सकती है, किसी ने मुझ पर काला जादू किया है ऐसा लगना, ये भी ये डिसीज के लक्षण है। तो देखिए, ये जो पेशेंट है ये आए हैं, अर्निशा आए हैं, इनसे आप बात करो, इनसे अपन बात करते हैं। हाँ, कहाँ से आए हो आप? बोरगांव से आए हम। बोरगांव, क्या क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ बोले तो रात में ख्वाब गिराना। अच्छा, ख्वाब की वजह से वो अलग टाइप के जिस्म दिखना उसमें। ओके ओके ओके। ख्वाब में, हाँ, ख्वाब में दिखने के बाद जो मानसिक त्रास है, बोले तो आप जिसकी शादी हो जाती है, अच्छा, उनके यौन शोषण में अलग हो जाता है, इनके यौन शोषण में अलग हो जाता है। देखो, इनको लैंगिक समस्या का भी प्रॉब्लम है, मानसिक रोग है उसके साथ में लैंगिक समस्या का भी प्रॉब्लम है। और कितने दिनों से है ये प्रॉब्लम इनको? ये 12 महीने हो गए, 1 साल होते आ रहा है, करीबन 1 साल हुआ, लेकिन पता ही नहीं कि ये मेंटल इलनेस है। इसकी वजह से उन्होंने कहीं पे इलाज नहीं करा है और अभी वो अपने यहाँ पे आए हैं, पिछले 3 दिनों से यहाँ पे एडमिट है। अभी कैसा लग रहा है आपके पेशेंट को? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके पेशेंट है? हाँ, ये आपके। बोलिए, आपका नाम क्या है? दिगंबर। दिगंबर, क्या क्या तकलीफ होती है आपको? ठीक है, ठीक है। अभी उनकी बात करने की इच्छा नहीं है, है ना? तो उनका डिसीज का ही वो तकलीफ थी उनको कि किसी से बात नहीं करना। तो ये इनके भाई है, इन्होंने बोला है कि अभी 3 दिन से अपने यहाँ पे एडमिट है और एकदम अच्छी तबीयत है उनकी। इसलिए आपके आसपास में अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उनको भी आपने यहाँ पे लेके आओ, हम उनका इलाज करेंगे।